आज की सभा के अध्यक्ष जी, साथी ब्रह्मजीत सिंह और हमारे साथी संचालन साथी कॉमरेड रामपाल सिंह, सबसे पहले तो मैं तमाम यहाँ हमारे साथी जो एकत्र हुए हैं और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए, वो हम लोगों को भली भांति जान लेना चाहिए कि संसद भारत पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों ने जिस बेरहमी के साथ में ये फैसला दिया है कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग, उसका मिसयूज बड़े भारी पैमाने पर होता चला आ रहा है, ये आर्गुमेंट ठीक उसी तरह से दिया जा रहा है जिस तरह से कि अब तो सत्ता हमारे हाथ में आ ही गई है और मनुस्मृति के सिद्धांतों को चोरी छिपे नहीं बल्कि 56 इंच की छाती बताने वाले इस नाम से इसको अमल में लाने के लिए वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे, आज तो ये दलितों पर है, कल ये आदिवासियों पर भी एक हमला होगा और नहीं नहीं और उसके बाद ये माइनर रिकवरी अटैक होगा। दरअसल ये अटैक तो बड़े लंबे 4 साल से, जब से ये मोदी जी की सरकार आई है तब से लगातार होते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां पर हमारे पुश्तैनी कामों को खत्म किया जा रहा है और दलितों के साथ में किस तरीके का मानवता को, किस तरीके से उनकी सभ्यता को, उनकी सांस्कृतिक क्रांति को, सांस्कृतिक धरोहर को, उनकी वैल्यूज को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं इस सरकार ने, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हम नौजवानों को, ये तमाम मन की बातें हमको रेडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से रोजमर्रा सुनने को मिलती है। व्यवहारिकता यह है कि इन्होंने कोई गांव, कस्बा, गली और मोहल्ला, छोटे बड़े शहर, यहां की वास्तविक जिंदगी रहती है मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की, जो सुविधाओं से, नागरिक सुविधाओं से 70 साल की आजादी के बाद में भी वो उनको नहीं मिली, नहीं मिल पा रही है। हमारे साथियों ने अपने अपने अनुभव से इस समस्याओं को रखा यहां पर और हम ये समझते हैं कि ये शुरुआत जो होने जा रही है, इस लड़ाई का जो बिगुल बजेगा, ये संसद भारत पर जिसका काम है इस सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिखाना, और वो रास्ता ये है, न्याय का रास्ता, और हम ये चाहते हैं कि जस्टिस, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों जो मेहनत का सवाम है, जो दलित है, जिसको सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक है, जो गैर बराबरी का शिकार होता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं समझता, जब वो जागरूक होता है, जब वो करवट बदलता है तो इतिहास बदल जाता है, ये हम आपको बताने के लिए सड़कों पर आएंगे साथियों। इसलिए भाइयों, आज हम लोग 2 अप्रैल को भी राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध दिवस मनाने की घोषणा हुई है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये तय कर लिया था भी, हमने 21 तारीख को इसी संसद मार्ग पर
दलितों की समस्याओं को लेकर के बड़े भारी पैमाने पर या हजारों की तादाद के अंदर अपनी मांगों को यहां पर रखा था और सामाजिक न्याय मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया हमने कि ये 70 साल की आजादी के बाद में भी इस वर्ग की जिंदगी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। इसलिए हमारे साथियों ने जो चिंता जाहिर करी है बिल्कुल जायज है। अरे पहले हर जगह तय हो जाता था एससी एसटी के लिए कि इतना प्रतिशत इनके लिए छूट दी जाएगी किसी भी स्कीम के अंदर। आज धीरे 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 वो तमाम सुविधाएं गायब हो रही हैं। ये तमाम पहले से ही हम लोग साधनहीन हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर रोजाना नए नए तरीकों के प्रयोग जो हो रहे हैं उन प्रयोगों से हमको किस तरीके से निजात चाहिए ये हम लोगों को तय करना है। साथियों आज संसद चल रही है इन दिनों में लेकिन काम नहीं हो रहा। विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है उसके नशे में किसी की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इस देश के अंदर। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं नोटबंदी के बाद में लेकिन काला बाजारियों पर और बैंकों को चूना लगाने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ना ही वो संसद करती है ना ही वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ऐसे में हमारा ही ये तेल निकालने के लिए बैठे हुए हैं साथियों। इसलिए मैं आपके बीच में एक तो कविता ये पढ़ रहा हूं फिर दूसरी कविता पढ़ी जाएगी फिर तीसरी कविता आएगी फिर आपके बीच में हमारे जो है दलित शोषण मुक्ति मंच के नेता आपके बीच में आ जाएंगे तो वो अपनी बातों को विस्तार से आपके बीच में रखेंगे। नीच अछूत हरिजन न होना, नीच अछूत हरिजन न होता, धरती को चीर कर सोना उगाने वालों, धरती को चीर कर सोना उगाने वालों, पत्थरों को तोड़कर सड़क बनाने वालों, पत्थरों को तोड़कर सड़क बनाने वालों, काश तूने उन खोपड़ियों को तोड़ा होता, काश तूने उन खोपड़ियों को तोड़ा होता जो तेरी गुलामी का मकर जाल बनाते हैं, गांव दर गांव ढोर चलाने वालों, तिलों को पेल कर तेल बनाने वालों, काश तूने उन तिलों को पेला होता, जो तुम्हें तिल तिल गलाते हैं। सिर पर गूमूत्र उठाने वाले, बलशाली हाथों से झाड़ू ले कूड़ा उठाने वालों, काश तूने उस कूड़े के ढेर को हटाया होता, जो तेरी कौम को कूड़ा बनाते हैं। सदियों से गांव की पहरेदारी करने वालों, मरे ढोलों की खाल खींचने वालों, काश तूने उन मुर्दारों की खाल खींची होती जो तुम्हें मुर्दा बनाते हैं। साथियों आगे है चमड़े को गांठ कर, जूता बनाने वालों, पत्थरों को गढ़कर भगवान बनाने वालों, काश तूने एक ऐसा हथियार गढ़ा होता, तो आज तू नीच अछूत और हरिजन न होता। तो साथियों ये कविता है जो हमारे जिंदगी के अंदर
हजारों वर्षों से जो हमारे साथ में जो होता आया है, आज भी वो दर्द हम लोगों को महसूस होता है कि हमारे गांवों और देहातों में, मोहल्लों और बस्तियों के अंदर किस तरीके का व्यवहार, सामाजिक जीवन तो छोड़ो, किस तरीके का उनके साथ में अन्याय होता आया होगा, इसकी कल्पना इन कविताओं से पढ़ करके सुनने से हम लोगों को महसूस होता है कि किस तरीके साथ में हमारे साथ में व्यवहार किया होगा।